आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी के घरेलू उपचार क्या है? वेलकम टू थिंक पिल। मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एसिडिटी में जो सबसे कॉमन सिम्टम वो है जो छाती में जलन होती है, जिसको हम लोग हार्ट बर्न कहते हैं, उल्टी जैसा मन करता है, मुंह में खट्टे डकार आने लगते हैं और बहुत सारी बेचैनी लगती है। अक्सर लोगों को पेट में दर्द भी होता है और काफी सारी उल्टियां भी होती है। अगर ये एसिडिटी अगर इलाज इसका नहीं किया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स डिजीज या फिर गर्ड हो सकता है, जिसमें ट्रीटमेंट बहुत लंबी है और इसमें कभी कभी तो सर्जरी भी करवानी पड़ती है। तो दोस्तों ये फटाफट घरेलू नुस्खे बता देती हूँ कि एसिडिटी के घरेलू नुस्खे क्या है। दोस्तों सबसे पहला है वो है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते बहुत ही फायदा करते हैं एसिडिटी में। तो तुलसी के पत्तों को पीसकर आप चाय बना सकते हो या फिर उसका पानी बना सकते हो और वो पानी को दिन भर आप लीजिए तो उससे आपको आराम हो जाएगा। दूसरा जो होम रेमेडी आता है, घरेलू नुस्खा आता है, वो है सौंफ। सौंफ की आप चाय बना सकते हो या फिर रात को सौंफ आप 2 चम्मच पानी में भिगा के रखिए और सुबह में उठ के उसको खूब चबा कर लीजिए तो आपको एसिडिटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जो हम लोग कहते हैं दालचीनी यानी कि सिनेमन, जो दालचीनी है, दालचीनी का जो पाउडर है, खास करके दालचीनी की चाय, ये भी काफी असर करती है एसिडिटी में। किसी भी तरह के आपके स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो, खास करके अगर आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो, तो उसमें सिनेमन काफी हेल्प करता है। दूसरा जो घरेलू नुस्खा है एसिडिटी के लिए वो है गुड़। अक्सर गांवों में गुड़ का पानी दिया जाता है, जिसको अगर आपने बहुत ज्यादा भारी खाना खा लिया हो तो गुड़ का पानी बना के, शरबत बना के देते हैं। वो सच में बहुत अच्छा रहता है एसिडिटी के लिए, क्योंकि गुड़ में मैग्नीशियम उसमें है। मैग्नीशियम काफी अच्छी मात्रा में गुड़ में अवेलेबल है। दूसरा, गुड़ क्या करता है कि आपके इंटेस्टाइन अंतड़ियों को ठीक करता है। अगर अंतड़ियों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो तो गुड़ से आपको आराम हो जाता है। दूसरी बात, गुड़ एक अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन चीज हमेशा एसिडिटी को कम कर देती है। जो घरेलू नुस्खा है वो है लौंग और लौंग का तेल। लौंग का तेल बहुत सारे लोग इस्तेमाल होता है अगर उनको गैस की वजह से पेट में दर्द होता है तो ये भी एक काफी अच्छी रेमेडी है। दूसरा तो है जीरा। जीरा तो आप सबको पता ही होगा, ये जीरा इतना ठंडा रहता है कि एसिडिटी को पूरी तरह से जड़ से निकाल देता है। अदरक वाली चाय अच्छी है, तो अदरक आपका डाइजेशन बढ़ा देता है और एक तरह का एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और सबसे अच्छा इलाज, खास करके जो बॉम्बे जैसे शहरों में रह रहे हैं या फिर चेन्नई जैसे शहरों में रह रहे हैं और आसानी से नारियल पानी पी सकते हैं, दोस्तों नारियल पानी एक बहुत ही अच्छा इलाज है एसिडिटी के लिए, क्योंकि ये अल्कलाइन है। लेकिन एक बात आपको नारियल पानी का याद रखना है, इसको आप 11 बजे के पहले ले लीजिए। 11 बजे के बाद आप लोगे तो हो सकता है नारियल पानी की वजह से आपको एसिडिटी हो जाए। तो नारियल पानी बेसिकली क्या करता है कि आपके पेट में और आपके इंटेस्टाइन में म्यूकस बढ़ा देता है। तो म्यूकस जब भी आपके पेट में बढ़ता है तो वो एसिडिटी की वजह से जो पेट के अंदर की लाइनिंग को नुकसान हुआ है तो उसको कोटिंग हो जाती है। और सबसे बेस्ट 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 घरेलू नुस्खा और वो है केला। अगर आपको एसिडिटी है तो रोज आप दिन में 2 से 3 केले खा सकते हो। अक्सर लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं अगर ज्यादा केले खाऊं तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। ये गलत बात है, केले खाने से वजन नहीं बढ़ता, लेकिन आप केले को दूध के साथ मिक्स करके लो तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ जाएगा। तो केले को डेफिनेटली आप इस्तेमाल कीजिए, उसमें काफी सारा पोटेशियम भी रहता है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये ज्यादा तीखी चीजें, ज्यादा स्पाइसी चीजें, ज्यादा चाय और कॉफी अगर आप पी रहे हो तो उसको कम करना चाहिए। जो स्मोकिंग करते हैं, नंबर 1 कॉज है एसिडिटी का। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो और आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि
तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह के वीडियोस पोस्ट करूँ तब। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।